हेलो स्टूडेंट, आज हम व्हाट्सएप नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो क्वेश्चन है, ये रैशनल नंबर है, इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे? मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था स्टैंडर्ड फॉर्म के क्या रूल्स होते हैं, मतलब कैसे कन्वर्ट किया जाता है एक रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, तब आप समझ पाएंगे ठीक से। तो व्हाट्सएप 3 में क्या दिया है? तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है कि 33/77 जो रैशनल नंबर है वो हमको चेक करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है तो ठीक है, नहीं तो उसको कन्वर्ट करना है हमको। कन्वर्ट करने के लिए बोला है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म रैशनल नंबर 33/77, तो अभी इसको हमको रैशनल नंबर में है कि नहीं देखना है। तो देखो पहला रूल क्या है, स्टेप नंबर वन का था, हमको देखना है डिनोमिनेटर पॉजिटिव है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो आप, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, 77 है तो पॉजिटिव डिनोमिनेटर है। रूल नंबर टू क्या था, हमको निकालना है 33 और 77, मतलब ये पी है ये क्यू है। अगर ये पी बाई क्यू का रैशनल नंबर का फॉर्म है तो P का वैल्यू है 33, Q का वैल्यू है 77। तो P और Q का SCF निकालना है, स्टेप नंबर टू में वही बोला गया है। तो हमने SCF निकाला 33 और 77 का, तो SCF निकला हमारा 11 निकलेगा। 33 और 77 का SCF निकलेगा 11। तो हमने स्टेप नंबर टू में क्या पढ़ा था कि अगर SCF 1 निकलेगा तो यही रैशनल नंबर होगा, यही स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। बट हमारे यहाँ तो 1 नहीं निकल रहा है, ये तो 11 निकल रहा है, तो हमको स्टेप नंबर 3 पे जाना होगा। स्टेप नंबर 3 क्या है, जो SCF निकलेगा उसी को हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, इसके साथ, जो रैशनल नंबर के साथ। तो देखो ये जो 11 को मैंने यहाँ पर देखो डिवाइड कर दिया है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो देखो इसको डिवाइड करने के बाद देखो आंसर निकला 3/7, तो 3/7 हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके बाद बिट नंबर 2 क्वेश्चन देखो, पहले चेक करना है स्टेप नंबर 1 क्या है। स्टेप नंबर 1 है डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है नहीं, नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव कैसे करेंगे, इसका भी मेथड मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आप अगर नहीं देखे हो तो जाकर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। क्या रूल था, रूल था कि -1 मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर निकला, -64/20। देखो हमारा डिनोमिनेटर जो नेगेटिव था देखो पॉजिटिव हो गया, अब डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया, मेरा मतलब मेरा स्टेप नंबर 1 हो चुका। स्टेप नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, SCF निकालना है, इन दोनों का SCF निकालना है। सेम रूल, SCF निकाल 64/20 का SCF निकलेगा 4, ठीक है। अब 4 को डिवाइड कर देना है न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ। तो 4 को मैं देखो मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है, डिवाइड करने के बाद क्या आंसर निकला, -16/20, ठीक है। बिट नंबर 3, अच्छा ये दो मेथड ऐसे हम निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमको और एक मेथड जानना है, अगर सपोज मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म और जल्दी निकालना है, सपोज मुझे एग्जाम में और जल्दी निकालना है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो और एक मेथड मैं आपको बता देता हूँ, ये तो एक मेथड है और एक दूसरा मेथड देखो। आप पहले चेक करो कि डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है कि नहीं, देखो यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, क्या बचा 27/15 पॉजिटिव रहा, डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव आ गया। तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव आने के बाद आप एक काम करो, आप इन दोनों का SCF मत लो, सीधा आप काम करो, आपने क्लास 6 में तो पढ़ा होगा लोएस्ट टर्म, आप इन दोनों का लोएस्ट टर्म कर दो। तो ये गया 5 से, ये गया 3 से, ये 9 से गया, तो आंसर होगा 9/5, क्योंकि और तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो आंसर होगा 9/5 हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जल्दी करने का तरीका है स्टैंडर्ड फॉर्म। और एक मेथड है वही सेम मेथड, इसी में ये जो मेथड में किए इस प्रॉब्लम को भी उसी मेथड में करेंगे। तो देखो यहाँ पर पहले मैंने देखा कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है कि नहीं, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, ठीक है, स्टेप नंबर 2। अब हमको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म कर देना है इनको। देखो ये यहाँ मैंने काटा 14 से ये कटेगा और ये भी कटेगा, तो आंसर होगा -15/14। तो -15/14 हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, और तो कटेगा नहीं, अब इसको काटो तो कटेगा नहीं, तो हमारा -15/14 लोएस्ट टर्म करना है। और ठीक है नंबर टू क्वेश्चन बोला है, फाइंड एक्स सच दैट द रैशनल नंबर इन द फॉलोइंग पेयर बिकम्स इक्विवेलेंट, मतलब ये इक्विवेलेंट हो जाए, मतलब ये हमको दो रैशनल नंबर गिवन कर दिया है। अब हमको बोल रहा है कि एक्स के जगह पे कौन सा नंबर होने से ये दोनों रैशनल नंबर इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो ये हमको पता है, अच्छा ये जो 9/-5 है किस फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, और एक्स बाय जो 10 है ये किसके फॉर्म में, आर बाय एस के फॉर्म में है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था रैशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में, कि इक्विवेलेंट का कंडीशन क्या है, यदि पी इंटू एस इक्वल हो जाए आर इंटू क्यू के साथ, या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों से इक्वल होना चाहिए। तो पी इंटू एस इक्वल होना चाहिए क्यू इंटू आर के साथ, ठीक है। तो ये कंडीशन है इक्विवेलेंट का। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होने से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर p इंटू एस इक्वल टू आर इंटू क्यू, तो p का वैल्यू कितना है, 9 है, तो 9 × 10 इक्वल टू एक्स इंटू -5, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो
ये जो फॉर्म है इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, x इंटू माइनस फाइव जो है, x इंटू माइनस फाइव पहले लिखती है उसके बाद में 9 रूट डालेंगे, एक ही बात है। आप इसको इस तरफ ला सकता हूँ, ये तो हमको x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू कैसे, अब लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा क्लास सिक्स में, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, x इक्वल टू कितना होगा 9 इंटू 10, जो इधर मल्टीप्लाई है इधर आधा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लोएस्ट टर्म करेंगे तो कितना हो गया, 5 से कटा, 5 1 से ये होगा 2, आंसर निकला हमारा 18 बाय माइनस वन। एक्स का वैल्यू निकला 18 बाय माइनस वन, तो माइनस वन तो ऊपर नीचे नहीं रहेगा, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हमको, कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए वैल्यू। ये ऊपर चला कितना, माइनस 18 हो गया, तो एक्स का वैल्यू निकला, एक्स का वैल्यू कितना निकला, माइनस 18। इसका मतलब यहाँ पर एक्स के जगह पर कौन सा नंबर होगा, माइनस 18 होगा। ठीक है, नेक्स्ट बिट टू क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है फिर वैसे करेंगे हमको, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर 8 इंटू, हम पहले x का पार्ट रख देते हैं, तो मतलब x इंटू 7 इक्वल होना चाहिए, किसका इंटू है, x इंटू 7 इक्वल होना चाहिए कितना, 8 इंटू माइनस 35 के साथ। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, 8 इंटू माइनस 35 बाय 7, ये 7 से कैंसिल, 7 1 7, 7 5 से 35, तो आंसर x का वैल्यू कितना निकला, 8 इंटू माइनस 5 है, ये माइनस 5 है, 8 इंटू माइनस 5, तो x का वैल्यू निकला माइनस 40। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो x है, x x से अगर यहाँ पर क्या आंसर होगा, माइनस 40। ठीक है, तो अभी इक्विवेलेंट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, उसी क्वेश्चन का बिट 3 और 4, बिट 3 और 4 क्या दिया, सेम रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पर एक दो फ्रैक्शन दिया, 36 बाय एक्स कॉमा, यहाँ पर 2 दिया ना, तो 2 को चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 बाय 1। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व करना है, तो 36 पहले एक्स लिख देते हैं, x इंटू 2 मतलब यह है पी क्यू, पी बाई क्यू, यह r बाई s, तो पी बाई क्यू आर, तो आर इंटू, तो यहाँ पर क्या है, तो क्यू इंटू आर पहले करेंगे, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आप ऐसे भी याद रखते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके साथ ये मल्टीप्लाई, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू एक्स इक्वल टू 36 इंटू 1। ठीक है, तो ये होगा, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, x इक्वल टू 36 इंटू 1 बाई 2, तो ये होगा 2 1 जो ये 18, तो हमारे x का वैल्यू निकला 18। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर x का वैल्यू होगा 18। ठीक है, अब बिट नंबर 4, सेम x बाय सिक्स माइनस 13 को मैं लिख सकता हूँ माइनस 13 बाई 1, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो कितना होगा, x इंटू 1 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्ली, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, x इंटू 1 ये हो गया माइनस 13 इंटू 6, तो ये x इंटू, तो x का वैल्यू निकालना है, तो कितना माइनस 13 इंटू 6 बाय 1, अब इसको सॉल्व करेगा 13 जगह 78 होगा, माइनस 78, तो यहाँ पर x का वैल्यू हमारा निकला माइनस 78। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।